कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, यहाँ पे लोग जो मजदूर आए हैं वापस, जिनकी घर वापसी हुई है, उसको रेड कार्पेट वेलकम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर, विधायक विनोद सिंह जी हैं, रविंदर सिंह जी हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं। सर, ये ढोल नगारा बजाया जा रहा है, कहीं शो को स्टील करने की कोशिश? नहीं नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि आप जानते हैं विनोद जी के क्षेत्र के भी लोग हैं, हम लोग झारखंड के जो मजदूर साथी वहां फंस गए थे वो आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको जो मान सम्मान मिलना है उसमें हम लोग भागीदार बनने आए हैं। हम लोग कोई राजनीति करने नहीं आए हैं इस पर। और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो टनल में फंसना मुमकिन है, ठेकेदार का बचना मुमकिन है, इस तरह की लापरवाही होना मुमकिन है, इस पर बात होनी चाहिए। इस तरह की हल्की हरकत से कहीं ना कहीं ये जो मीडिया के साथियों को भी, आपके लिए तो खबर हो सकती है लेकिन ये हास्यास्पद है सर। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि मास माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है, ये तो सच्चाई है। हर जगहों से आज प्रवासी मजदूरों का, सिर्फ राज्य के बाहर नहीं, देश के स्तर पर काम कर रहे हैं, सारे राज्यों से काम कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। तो सवाल है उनके लिए कानून बने, जहाँ भी जाएं सुरक्षा हो, मान सम्मान हो, उनको मानदेय हो। आज सबसे ज्यादा विदेशों में मजदूर जा रहे हैं, लेकिन जो सरकार इतनी सीना ठोक रही है, कानून तक नहीं बना है कि विदेशों में अगर मजदूरों के साथ कुछ हो जाए तो उनके बीमा की गारंटी हो, उनके लोगों की गारंटी हो। जिस उत्तराखंड में घटना घटी, लगातार घटनाएं हो रही है, जहां प्रवासी मजदूर काम करते हैं, उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पे क्यों नहीं ध्यान दी जाती है? और ये सीएम ने तो यहां तक कह दिया है कि यहां से ले जाते हैं उठा के, चूहे के तरह कुतर दिया उत्तराखंड को, और जो है यहां से मैन पावर ले जाते हैं, उनका सुरक्षा का कोई मानक नहीं है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं रहता। इसीलिए तो जो नारा लगा रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, यही दर्शाता है कि सुरक्षा कुछ नहीं है, काम कराना है, बड़े बड़े पूंजीपति जो ठेकेदार हैं उनको बचाना है। आज देखिए, अगर मजदूर बच के आया है तो झारखंड के सभी लोगों के लिए खुशी की बात है और हम लोगों के लिए हर्ष की बात है कि ये सब बच के यहाँ आए और उनके सम्मान में हम लोग यहाँ आए। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का ये नजारा है और यहाँ जश्न का माहौल है, आप देख सकते हैं। वो मजदूर लौट आए हैं, घर वापसी हुई है उनकी, जो सिरखेरा में टनल में फंसे थे। ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, फूल माला से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे लोग उनका इंतजार कर रहे थे और घर वापसी पे हीरोज वेलकम उनको दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये तमाम मजदूर, 15 मजदूर जो झारखंड में फंसे थे। विजय विजय हो रहा हूँ, विजय 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 देखिए, विजय हो रहा हूँ, जिनको सबसे पहले रेस्क्यू किया गया था, गले में उनके माला, भुवनेश प्रताप सिंह रेस्क्यू टीम में ये लोग शामिल थे, ये देख सकते हैं। विजय विजय आगे आगे जाके, आगे जाके। तो ये देख सकते हैं, ढोल नगाड़ा से स्वागत किया जा रहा है। राज्य के बीजेपी और इसके अलावा जो है दूसरे राजनीतिक दल, कांग्रेस वगैरह के नेता भी पहुंचे हैं, उन्होंने फूल मालाओं से लादा है मजदूरों को। यहाँ देख सकते हैं लोगों का जमवारा, सब उनसे बात करना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं, किस तरह के एक्सपीरियंस से वो गुजरे हैं। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाएं, यहाँ देख सकते हैं किस तरह का नजारा। श्रम नियोजन मंत्री जो है वो भी यहाँ पे आए हुए थे, यहाँ देख लीजिए। और ये बस जो है, इस बस का व्यवस्था जो है किया गया है, इसी से मजदूर जो है मुख्यमंत्री आवास भी जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री आवास में उनकी मुलाकात जो है सीएम से होनी है, मुख्यमंत्री जो है वो उनका स्वागत करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, और उनको लेने के लिए सरकार की तरफ से टीम गई थी और उनको लेकर इस बस से वापस जाया जा रहा है। विजय हो रहा। तो ये तमाम मजदूर जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है, यहाँ पे कैमरा के जो है कैमरा का हुजूम, मजदूर जो है वो इसी बस को बोर्ड करके सीएम हाउस के तरफ निकलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं विजय होरो, इन्हीं को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया था। विजय होरो, विजय विजय किस तरह का एक्सपीरियंस था, कब पता चला कि आप लोग निकल जाएंगे मदद के लिए? जिनको सबसे पहले
पहले रेस्क्यू किया गया था। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ कहाँ से हैं आप? ये 17 दिन, सुनिए 17 दिन जो कटा आपको कब पता चला क्या आप निकलने वाले हैं? कोई आवाज़ सुनाई देता था कि कोई बचाने आ रहा? आप लोगों को लगा था तो नहीं आना, जब पाइप से हवा गया ना उसे पता चला हम लोग को बचाने आएगा। मैंने कोई बचाने आ रहा है ये पता चला? जैसे अंदर लाइट वाइट होता था कैसे करता था? बिजली था अंदर, रोशनी था। और खाना पीना कब से मिलने लगा? पहला 24 घंटा किस तरह से कटा? कब पता चला कि 18 घंटा बाद आपको पता चला कि आपको फंस चुके हैं? आप लोगों को लग रहा था वो फोन वन से थे? प्रयास किसका धन्यवाद करेंगे? किसके प्रयास धन्यवाद करेंगे? कंपनी के सरकार का। ये देखिए लेबर्स को जो मजदूर की वापसी हुई है, घर वापसी, उनको इस बस के द्वारा अब ले जाया जा रहा है। सीएम हाउस जाएंगे यहाँ से वो लोग, मुख्यमंत्री उनसे मिलेंगे। सरकार की एक टीम भी गई थी, कंटिंजेंट गई थी। ये अनिल, क्या नाम है आपका? नाम क्या है भाई? नाम क्या हुआ आपका? नाम चमरा है सर। हाँ चमरा। डुमरिया से हैं? कहाँ से? पश्चिमी सिंहभूम। बोलिए ना। तो ये मजदूर जो है उनकी घर वापसी हुई है और यहाँ पे कैमरे के सामने में थोड़ा रिलक्टेंट भी हैं। जिस तरह का उन लोगों ने एक्सपीरियंस देखा है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है उनका। विजय होरो को सबसे पहले रेस्क्यू किया गया था, उनको बस में बिठाया गया। बाकी और ये देखिए विजय होरो यहाँ पे, जिनको सबसे पहले रेस्क्यू किया गया था। हमारे साथ विजय नौजवान क्यों जाएंगे सर? हाँ मैम, हर किसी को आप लोग जितने भी हैं, हर किसी को आप के सहयोग दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप लोगों की दुआ एवं पूरे देश विश्व की दुआ है हमारे ऊपर जो हम लोग सही सलामत हैं। आपके बेटे का पहला बर्थडे था? हाँ सर। तो अब आप बहुत बड़ा गिफ्ट होगा उसके लिए, यादगार गिफ्ट होगा आप। हाँ सर, वापसी हुई है। हाँ सर, 30 नवंबर को था मेरा खुद अपना बेटा का जन्मदिन, पहला बर्थडे। हाँ सर, तो दोहरी खुशी आई है। मेरी वाइफ लोग दिवाली कोई नहीं मना पाया सही। अच्छा ये बताइए कि पहले आप कब पता चला कि आपको मदद पहुंच रहा है टनल में जब आप लोग फंस गए? 18 घंटे के बाद पता चला था। कैसे पता चला? कुछ हुआ सर, जहाँ गिरा था ना, मलबा गिरा था वहीं पे मेरी ड्यूटी थी। हाँ। मैं वहीं पे था सर। अच्छा ये कैसे समय कैसे काटते थे? हाँ मैम। अच्छा सुनिए ना, यस मैम, ये बताइए सुबह शाम का कैसे? हिम्मत बहुत बड़ी चीज थी सर, पहले ही हार मान जाएगी तो फिर टूट जाएगी, इसीलिए हम। हाँ गब्बर सिंगर मेरे हमारे समा अहमद देव थे, वो लोग बहुत बहुत शाम कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, कैसे पता चलता सर? सुबह शाम स्टार्टिंग में तो हमारे पास फोन घड़ी जो भी सुविधा था उससे टाइम देख लेते थे। बाद में फिर 2-3 दिन के बाद तो मोबाइल ऑफ हो जाने के बाद तो कोई सुविधा नहीं था, इसीलिए रात दिन का कुछ पता ही नहीं चलता था। टाइम का भी नहीं पता चलता। कैसे मदद आपको आएगा? कोई रेस्क्यू करने आ रहा है ये कब पता चला? कुछ आवाज होता था 18 घंटे के बाद हम लोग को, कुछ आवाज पानी के पाइप से, हम लोग पानी का पाइप जो कोई भी मशीन चलता है तो फेस्ट ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, तो उसके लिए मशीन में पानी लगती है, पानी के जरिए ही ड्रिलिंग होती है। तो हमारे को पानी का पाइप ही एक माध्यम था। तो आपको पता चलने लगा कि हाँ लोग आ गए बचाने के लिए? नहीं सर, स्टार्टिंग में हम लोग मशीन गाड़ी सब में डीजल उजल डालने के लिए कागज रहती है, मतलब हर तरह की लिस्ट बने रहते हैं कि कितना पेट्रोल डीजल डलाया जाता है। उसी से हम लोग में एक कागज में लिख के कि जितने हम लोग 41 मेंबर हैं सब सुरक्षित हैं, सभी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ उसको पानी का पाइप खोल के प्लास्टिक में डाला, फिर पानी के जरिए बाहर मैसेज भेज दिया। पानी के जरिए बाहर मैसेज भेजा। हाँ। और वहाँ से लोग रेस्क्यू करने आ रहे हैं, वहाँ से आवाज हुआ ठोक ठाक का कुछ? हाँ सर, ड्रिलिंग का आवाज हुआ होगा कुछ? ड्रिलिंग का नहीं सर, पाइप डिस्टेंस था उस टाइम 50 मीटर, उससे हम लोग को आवाज सुनाई दिया। हाँ। हम लोग जब मैसेज भेजे तो वो लोग पाइप खोल के हमारे को आवाज देने लगे, तो हम लोग को 50 मीटर डिस्टेंस था। लाइटिंग का व्यवस्था था? लाइटिंग का पूरा व्यवस्था था। लाइटिंग का पूरा व्यवस्था था। और खाना होना कब से जाने लगा? खाना पीना हम लोग को 18 घंटे के बाद प्रोवाइड किया जाता था। नहीं नहीं, खाना होना कब से आने लगा? 18 घंटा तो पहले आपको अपने वाइफ से बोले थे ना कि हमको 24 घंटा प्रॉब्लम हुआ? हाँ सर, स्टार्टिंग में तो थोड़ा हुआ था, 3 दिन तक हम लोग को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन 18 घंटे के बाद हम लोग को खाना पीना ऑक्सीजन सारा चीज प्रोवाइड हुआ था। हाँ सर। पत्नी से कब बात हुआ पहली बार? 10 दिन के बाद सर, जब 10 दिन के बाद माइक्रोफोन मिला था, पाइप आया था 6 इंची का, उससे 2 से 3 बार आपकी बात हुई ना?
फिर जाएंगे फिर काम करने? सर हम यही चाहेंगे हमारे झारखंड सरकार से कि हमें यहीं पे रोजगार दे, जॉब दे। काहे कि मैं अभी ग्रेजुएशन पार्ट टू कर रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ मेरे को पैसा चाहिए, इसीलिए मैं कमाने गया था। कहाँ से? बट ऐसे ही कर रहा है। गाँव गुंडू पोस्ट लड़ता थाना जरियागढ़ है अभी हमारे विजय हो रो। हाँ सर, इसीलिए मैं आना था। मेरी टिकट थी ट्रेन के 28 दिसंबर को। मुख्यमंत्री से यही अर्जी डालेंगे सर कि हमारे जैसे नौजवान को जॉब दे, जॉब देने का मौका मतलब हर किसी को मौका मिले, हमारे जैसे नौजवान कभी बाहर ना जाए काम करने, यही चाहेंगे। थैंक यू। ये देखिए, परिवार के लिए अपने हीरो हैं, अपने बेटे को अच्छा जीवन देने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये बाहर निकलकर कमाने गए थे। ये पढ़ाई भी साथ ही साथ कर रहे हैं, तो अनसंग हीरो बनकर अपने परिवार के लिए आए हैं। साथ ही साथ पलक पावरे बिठा कर यहाँ बाकी लोग भी इंतजार कर रहे थे, इनकी सलामती की दुआ मांगी जा रही थी हर तरफ से। 17 दिन उन्होंने काटे, 10 दिन बाद पहली बार इनकी बातचीत अपने परिवार से होती है। 18 घंटे बाद जो है इन्हें यह एहसास हुआ, मैसेज जब भेजे तो इनको लगा कि हाँ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, और हिम्मत इन्होंने बनाए रखा। पहला मैसेज इन्होंने डाला पानी के पाइप के जरिए कि यहाँ सब 41 मजदूर सुरक्षित हैं, और उनके घर वापसी पे अब शानदार इनको जो है रेड कार्पेट वेलकम दिया गया है। इस बस से सीएम हाउस ले जाया जाएगा। काफी इंतजार किया है लोगों ने। 15 मजदूर झारखंड के थे जिनको इवैक्यूएट किया गया है, टर्मिनल वहां टनल से उनको निकाला गया है, और इनके स्वागत के लिए राजनीतिक दलों के लोग भी यहां पहुंचे थे। कांग्रेस के लोग, इसके अलावा बीजेपी के लोग, तमाम लोग, ढोल नगाड़ा बजाया गया, जो है नारे लगाए गए इनके सपोर्ट में, इनका मोराल बूस्ट किया गया, झंडे लेकर तमाम तरह के जो है साजो सज्जा के साथ इनका स्वागत किया गया है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।